दिल्ली के मंगोलपुरी में छात्र को ट्यूशन से घर जाते समय लूट का विरोध करने पर चाकू मारकर लूटपाट करने के मामले का खुलासा किया है। मामले को सुलझाते हुए 70 सीसीटीवी खंगालने के बाद मंगोलपुरी थाना पुलिस ने एक नाबालिग समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन बरामद कर 394 का मामला दर्ज कर दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस हिरासत में खड़ा ये आरोपी साहिल है, जिसने अपने एक नाबालिग साथी के साथ मंगोलपुरी बापू पार्क के पास ट्यूशन पढ़कर अपने घर जा रहे एक छात्र को रोककर लूटपाट की थी। जब छात्र ने विरोध किया था तो आरोपियों ने छात्र के पैर में चाकू मारकर उससे 5,000 रुपये लूट लिए थे और वीवो फोन छीन कर फरार हो गए थे। जिसके बाद मंगोलपुरी थाना प्रभारी मुकेश कुमार की टीम ने 70 सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को चेक कर आरोपियों की पहचान कर उन्हें पश्चिम बिहार में पार्टी करते हुए दबोच लिया।